साइटोजेनेटिक्स मोस्टली, जैसे मैंने बताया कि ये एक कम्बिनेशन है साइटोलॉजी का और जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स का आप कोर्स पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जेनेटिक्स डील्स विद इनहेरिटेंस मैकेनिज्म्स, के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इवन ऑल लिविंग थिंग्स, दे इनहेरिट देयर करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। सो वो इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स, वो इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स कंटिन्यू रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो साइटोजेनेटिक्स क्या है कि साइटोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों को हम कंबाइन करते हैं। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइटोलॉजी क्या है और जेनेटिक्स क्या है। तो कमिंग टुवर्ड्स साइटोलॉजी, टॉकिंग अबाउट साइटोलॉजी, सो साइटोलॉजी इज एक्चुअली अ साइंस दैट डील्स विद सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, कि सेल क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हम सेल को अंडरस्टैंड करते हैं, सेल की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, दैट इज क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, और साइटोलॉजी में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें हम सेल्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, सेल की क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम की फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं। सो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड स्टडी ऑफ सेल इन जनरल, दिस कम्स अंडर साइटोलॉजी। सो साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स क्रोमोसोम एंड इट्स अदर कंपोनेंट्स, ये सब इनकी जब हम स्टडी करते हैं ओवरऑल, तो इट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। एंड जेनेटिक्स, दैट इज सिंपली स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, एनी सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेड करेक्टर व्हेन वी स्टडी इट्स मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। सो साइटोजेनेटिक्स ओवरऑल अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो साइटोजेनेटिक्स इज एक्चुअली स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ द सेल। सो साइटोजेनेटिक्स एक्चुअली इट इंक्लूड्स हैंडलिंग ऑफ क्रोमोसोम, इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, देयर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन वेरियस जनरेशंस, इसके अलावा फंक्शंस एंड मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, लाइक दे मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, और दे मूव इन डिफरेंट सेल साइकिल स्टेजेस, लाइक सेल डिवीजन हो रही है, माइटोसिस है, मायोसिस है, उनमें जो फंक्शन क्रोमोसोम्स का है, उनके नंबर चेंज हो रहा है क्रोमोसोम का, जो उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, वो सारी की सारी चेंजेस, वो सारे फंक्शंस, वो हम स्टडी करते हैं साइटोजेनेटिक्स में। उसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट जो मॉडिफिकेशंस होती हैं क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में, वो सारी की सारी हम स्टडी करते हैं साइटोजेनेटिक्स में। इसके अलावा साइटोजेनेटिक्स में हम जो और कंपोनेंट्स हैं सेल के क्रोमोसोम के अलावा, जो जेनेटिक्स को कंट्रोल करते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि मेजर कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक्स इज कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम्स, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, पार्ट्स हैं जो जेनेटिक्स को कंट्रोल करते हैं। वो कंपोनेंट्स जो जेनेटिक्स को कंट्रोल करते हैं, उन कंपोनेंट्स को भी हम स्टडी करते हैं। तो उनमें मेजर जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो जेनेटिक्स को कंट्रोल करते हैं, वो दो हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया।
ये दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो सेल के अंदर जेनेटिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. सो साइटोजेनेटिक्स डील्स विद ऑल काइंड ऑफ जेनेटिक्स दैट इज कंट्रोलिंग अ सेलुलर मैकेनिज्म. सो जब हमने साइटोजेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करना है या साइटोजेनेटिक्स को पढ़ना है या सेल की जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम सेल को अंडरस्टैंड करें. ऑल्दो मोस्ट ऑफ यू बल्कि तमाम के तमाम सेल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स है कि हम कुछ चीज़ें रिवाइज करें ताकि एक फ्लो हमारा बरकरार रहे. तो उसके लिए हम सेल को अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल क्या है. सो सेल ये एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट है दैट इज हैविंग कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन इनसाइड. सो दिस इज एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. It can withstand a solitary life. It can propagate itself. It can be divided into two, means one cell is divided into two cells and so on. And it propagates itself. It has its own mechanism of inheritance. नहीं जी, मेरा ऑडियो म्यूट नहीं है. आप अपनी चेक करें, आपका जो ऑडियो है वो शायद म्यूट हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, स्पीकर शायद म्यूट हो. बिकॉज आ रही है सर जी आवाज, आपकी आवाज आ रही है सर जी आपकी. हाँ, आ रही है आवाज. तो दाऊद खालिद, आप अपने स्पीकर को चेक करें, आपका स्पीकर शायद म्यूट होगा. आप यहाँ पे क्लिक करें जहाँ ऑडियो का साइन बना हुआ है, वहां से आप ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो करेंगे तो आपकी ऑन हो जाएगी आवाज. ओके जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट के सेल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि बेसिक यूनिट है. प्लीज म्यूट योर माइक. ये एक बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ है, सिंपलेस्ट मोस्ट, या ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसमें लाइफ की तमाम बेसिक नेसेसिटीज, तमाम बेसिक खसूसियात मौजूद हैं और वो प्रोपगेट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है. यानी कि जो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इट कैन फुलफिल. सो ऐसा जो कंपोनेंट है जो सॉलिटरी और इन कम्बिनेशन that can live, it is called as cell. So organisms, आपको पता है कि बहुत सारे different types के होते हैं, कुछ unicellular होते हैं, कुछ multicellular organisms होते हैं. Unicellular organisms में एक cell जो है वो complete organism का function करता है, वो individual life गुजार सकता है, उसे किसी और पे dependent होने की ज़रूरत नहीं होती. जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट होती है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो है हमारे बेसिक सहूलियात सारी मौजूद हों तो एक घर जो है वो इंडिपेंडेंट अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन जब पूरे शहर की बात करें तो शहर में हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. मसलन शहर में अस्पताल है तो अस्पताल ने अपना काम करना है. अच्छा, उसके अलावा स्कूल है, स्कूल ने टीचिंग करनी है, और कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ हैं वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. इसी तरह से जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर लाइक सेलुलर सिटीज, उनमें डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, हर एक ने अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना है और वो सारे मिलके आपस में कम्युनिकेट करके एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है
जिस तरह प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो उनमें डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है, उनमें एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। वो सिस्टम जो सेल्स हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के बाद डिवेलप करते हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर सेल का फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। सेल का डिवाइड करना जरूरी है, सेल डिवाइड करेगा तो नए सेल्स बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे तो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डिवेलप होगा। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो आप लोगों ने गालिबन पढ़ी होंगी, बल्कि यकीनन पढ़ी होंगी। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें और कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। लाइक प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक यूग्लेना है, बैक्टीरिया है या अमीबा है, इनके पैरामीशियम है, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। सो टॉकिंग अबाउट कॉमनैलिटीज अमंग सेल्स, तो उसमें सबसे मेजर जो कॉमनैलिटीज हैं वो उनका एक इनहेरिटेंस सिस्टम का मौजूद होना, वो एक कॉमन चीज है। उसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मौजूद होना, ये एक कॉमन चीज है। इसके बगैर सेल का तसव्वुर नहीं हो सकता, यानी कि सेल के गिर्द मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, उसके अंदर एक्वस मटेरियल मौजूद होगा जिसके अंदर मिनरल्स हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद होंगे। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लेकिन बहरहाल जेनेटिक मटेरियल का होना ज़रूरी है। जेनेटिक मटेरियल के बगैर सेल का तसव्वुर करना मुमकिन नहीं। सो जेनेटिक मटेरियल इज एसेंशियल मोस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। तो सेल का जो जितना भी कंट्रोल है, इनहेरिटेंस है, वो जेनेटिक मटेरियल ही कंट्रोल करता है। तो जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट टाइप्स का होता है। ओके, सो ये डिफरेंट सेल्स हैं और इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट जो असाइनमेंट होगी, आई विल शेयर द टॉपिक ऑफ असाइनमेंट अबाउट दिस फर्स्ट लेक्चर थ्रू व्हाट्सएप। आपको टाइटल दे दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपने और डेडलाइन बता दी जाएगी, तो उसके मुताबिक आपने फर्स्ट असाइनमेंट अपनी प्रिपेयर करनी है। ओके, सो अब हम अगर बात करते हैं सेल की, तो सेल में जैसे मैंने बताया कि मेजर तो ये कॉमनैलिटीज आ गई हैं। उसके अलावा जो दूसरे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो डिफरेंट हैं, मसलन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। उसके अलावा उसमें सर्कुलर डीएनए होता है, क्रोमोसोम, ट्रू क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या यूकैरियोट्स में ट्रू क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, उसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। और उसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनल्स मौजूद है। तो यूकैरियोट्स में फर्दर अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो वी हैव टू मेजर क्लासेस हायर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। सो एनिमल और प्लांट सेल्स में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो बाहर से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला डिफरेंस है सेल वॉल का। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद होती है। सो दूसरा डिफरेंस जो एनिमल्स और प्लांट्स का है, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, जबकि प्लांट्स में
क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं या प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, जबकि एनिमल्स में प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते। एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तो अब हम पहला जो डिफरेंस है जो सेल वाल का, यानी कि अगर हम स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर वन से, बिकॉज आर कंसर्न वी आर स्टडिंग अबाउट प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सो आर कंसर्न इज मोर अबाउट प्लांट सेल। सो स्टार्टिंग विद प्लांट सेल, वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ द सेल, सो दैट एक्सटीरियर ऑफ द सेल इज सेल वॉल। सो सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक्चुअली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। सेल को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और आपको पता है कि एनिमल्स दे कैन मूव बट प्लांट्स कैन नॉट मूव। सो प्लांट्स जो है वो सेसाइल होते हैं, वो एक ही जगह खड़े हैं, उनकी मूवमेंट ना होने की वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से उन्होंने डील करना है, वो अगर उनके सेल्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस कर सकते हैं। तो नेचर ने सबसे पहले उन सेल्स को प्रोटेक्ट किया है एंड क्रिएटेड एन एक्सटीरियर वॉल अराउंड द सेल्स, सो दैट इज टफ एनफ, अ बिट फ्लेक्सिबल, लेकिन इतनी रिजिड होती है कि प्लांट सेल को वो एक प्रॉपर शेप में और मेंटेन रखती है, हार्डनेस उसको प्रोवाइड करती है, ताकि जो स्ट्रेसेस को वो बर्दाश्त कर सके। देन मैनी प्लांट सेल्स हैव वॉल दैट आर स्ट्रॉन्ग एनफ to withstand the osmotic pressure from difference in solute concentration between cell interior and distilled water, because we know ke plants jaise maine bataya ke aise environment mein maujood hote hain jahan pe stresses aur unprovoked unpredictable stresses maujood hoti hain, wo stresses प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, प्लांट उसको विदस्टैंड भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए जो एक मेजर स्ट्रेस जो मौजूद होती है प्लांट्स में, वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कि वाटर के जो प्रेशर का डिफरेंस है वो। तो ये अब हमारी मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है, क्लास का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। बाकी जो कुछ चीज़ें होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो आपको शेयर कर दी जाएंगी थ्रू व्हाट्सएप। तो हम नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है वो यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने फीडबैक अपना लाजमी देना है ताकि हम अपनी क्लास को नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस कहाँ पे होगी?